अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं। ये अल्लाह ने हमसे जो काम ले रहा है, ये अल्लाह का बड़ा एहसान करम है कि हमको अल्लाह ने चुना इस काम के लिए, और आगे भी आपको भी इसकी इसमें एक दूसरे की मदद करना है। सबाब जारिया है, आप सुने समझे और अपने अजीज दोस्तों के तक पहुँचाए। परवरदिगार राजक रहीम है, गफूर रहीम है, वो खताए गलती माफ करने वाला है। और परवरदिगार ने कुरान शरीफ में फरमा रहा है कि मैंने जमीन और आसमान को 6 दिन में तैयार किया है, और उसमें आसमान पे चांद और सितारे से उसको रोशन किया है आसमान को, और जमीन पे भी मैंने दरख्त लगाए हैं, फूल पौधे लगाए हैं, उसको भी खूबसूरत बनाया है। तो ये अल्लाह कादिर, हर बात पे कादिर है। अल्लाह है, जो चाहता वही हो जाता है। अल्लाह के सिवा कोई काम करने वाला नहीं जिसको हम कहें कि अल्लाह ने किसी को शरीक ही नहीं किया। वो ला शरीक, हर काम में वो अकेला है, और इसीलिए उसे ला शरीक कहते हैं। और अल्लाह के बीच में कुछ नहीं। दिन को रात में बदलना, रात को दिन में बदलना, ये मेरा अल्लाह का काम है। मेरा अल्लाह इन दिन और रात की ड्यूटी बदलता है, चांद और सूरज की ड्यूटी बदलता है। तो अल्लाह का एहसान करम, ये सारी नियामत भी अल्लाह ने हमारे लिए उतारी है, और हमें बता रहा है कि तुम कहीं मत भागो, सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे पास आइए, मेरे से दुआ मांगो। मैं राजक रहीम हूँ, गफूर रहीम हूँ। तुम मांगोगे चुपके चुपके आंसू बहा के, जो तुम मेरे आगे गिड़ गिड़ा के अपनी हाजत के लिए मुझसे कहोगे तो मैं बिल्कुल कबूल करूँगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटियों, वो राजक रहीम है, गफूर रहीम, वो आलिम गैब है। मेरा अल्लाह ही आलिम गैब है, क्योंकि तो गैब की बातें वही जानता है, और किसी को उसने यह मर्तबा नहीं दिया, ना फरिश्तों को ना नबी पैगंबर को। तो हम इस तरफ चलें और इस पर हम समझे और कुरान पाक को पढ़े और कुरान पाक को समझे। ये सब कुरान में, कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहा है, लेकिन हमें वक्त नहीं है। मैं बार बार आपसे मोहतराना गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के कुरान पाक को समझे, नहीं तो वक्त ऐसा आएगा जब हंसी का रो मैदान होगा, सब नफ्सा नफ्सी का आलम हो गए, और एक दूसरे के सामने जब बात होगी तो कुरान पाक अल्लाह पाक से शिकायत करेगा कि परवरदिगार इसने मुझे समझा ही नहीं। तो हमें ये मौका हम नहीं दें कि सबके एक दूसरे की शिकायत तो रहेगी, कुरान पाक भी हमारे खिलाफ जाए। तो अल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमाए, कोशिश हम भी करें कि अल्लाह पाक हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डालते रहें। पान पान चाचर को भी आप डालेंगे तो सवाब जारिया है, एक ने भी इसमें अमल कर लिया तो वो सवाब जारिया आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।